ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। जयकारे लगाने से इस मुश्किल घड़ी में जनता की एकता को दर्शाएगा और केंद्र सरकार को यह चेताएगा कि पंजाब का बनता हक पंजाब की जनता के लिए जल्द से जल्द दिया जाए। और जयकारे लगाने को लेकर विरोधी दल के नेता क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहना है पंजाब के मंत्री त्रिपत राजेंद्र बाजवा का, जो सरकारी खरीद का और अनाज मंडी में चल रहे कामों का जायजा लेने के लिए बटाला अनाज मंडी पहुंचे हुए थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जनाब मोहम्मद इशफाक भी मौजूद रहे। इस मौके पर उनकी तरफ से आढ़ती समुदाय से बातचीत की गई और उनको आ रही मुश्किलों को सुनकर उसका हल जल्द निकालने का आश्वासन दिया गया। बटाला अनाज मंडी के दौरे पर पहुंचे पंजाब सरकार के मंत्री त्रिपत राजेंद्र बाजवा ने कहा कि मंडियों में गेहूं के सीजन के चलते किसानों को कोई मुश्किल नहीं आने दी जाएगी। वहीं उनका कहना था कि 20 अप्रैल को शाम 6 बजे जनता को जयकारे लगाने का फैसला, जो मुख्यमंत्री पंजाब की तरफ से लिया गया है, वह फैसला इस मुश्किल घड़ी में जनता की एकजुटता को दर्शाएगा और इस फैसले को लेकर विरोधी दल के नेता क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं मंत्री बाजवा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पंजाब का बनता हक इस मुश्किल दौर में पंजाब को दे देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष में जो दान आ रहा है वह जनता की भलाई के लिए खर्च किया जाए। उन्होंने कहा कि किसान फसल को लेकर जल्दबाजी ना करें, फसल को अच्छी तरह सुखा कर मंडी में लाएं, सरकार उनकी फसल का एक एक दाने को खरीद देगी। काम में आज की थोड़ा जा सख्त है बीमारी करके जिड़िया प्रॉब्लम आदि ने डी साहब इन्हों आढ़तियां किसानों दिन सुन आए हैं। जी कोई प्रॉब्लम होंगी ना हल कर रहे हैं और आस्ता आस्ता सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। कोई नहीं, सब कुछ ठीक होगा। लोग एवं थोड़ा जहा काले पै गए ने, कोई ऐसी जी गल नहीं, सारी कणक भी चुकी जाएगी, जीरी भी बीजी जाएगी। असी एक यूनिटी विखाने लिए सीएम साहब का साथ देने लिए असी मोदी साहब को सलाह देना चाहते हैं कोई स्टेट नू स्पेशल पैकेज दिता जाए। बड़ा वड्डा नुकसान हो रहा, तकरीबन जे मई च भी लग गया तो 20,000 करोड़ का नुकसान होना। हरसिमरत कौर बादल तो कह रही है 3500 करोड़। चलो वो भैन जो मर्जी आखी जाए, हरसिमरत जो मर्जी आखी जाए, पर जी इसी गल कह रहे हैं भाई हजे तक साडी सरकार कोई वित्ती नहीं आया, जिहड़ा मुआवजा नहीं आया, जिहड़ा साडा ही बनता हिस्सा सी जो सानू देता ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦਾਨ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। वहीं डिप्टी कमिश्नर जनाब मोहम्मद इशफाक का कहना था कि मंडी में पास को लेकर जो दिक्कत आ रही है वह जल्द हल कर ली जाएगी, क्योंकि अभी पास केवल 1200 से 1400 के करीब आ रहे हैं और हमारी बात उच्च अधिकारियों से हो चुकी है और अब रोज़ाना 2550 के करीब पास आने शुरू हो जाएंगे। वहीं उनका कहना था कि पिछले सीज़न के मुताबिक खरीद के काम चल रहे हैं और पूरा सीजन में कोई मुश्किल नहीं आने दी जाएगी। वहीं जिले में ढील देने को लेकर उनका कहना था कि अभी जिले में कुछ दिन ढील नहीं दी जा सकती, क्योंकि शक्की केस आते दिखाई दे रहे हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए जितेंद्र कुंदल की रिपोर्ट। जड़ी मंडी बोर्ड की पॉलिसी है वो असी सारी बैठ के आढ़ती एसोसीएशन के नाल परसों मीटिंग की थी, सर असी ये फैसला किया है कि जिनी किसी आढ़ती की पिछले साल की खरीद हैगी है, क्योंकि असी मन के चलते भी 35 दिन अपना काम मुकम्मल हो जाएगा तो उन्होंने 35 के भाव कर लिए, तो एक ट्राली आम 70 क्विंटल की मन के चलीए तो 70 का भाव कर लिए, उन्ने पास रोज़ एक आढ़ती मिलने रोजाना मिलेंगे और ये अनुसार गुरदासपुर जिले 2500 पास चाहिए ने। समस्या की आ रही थी कि सानू हुण तक पास 1200 या 1400 आ रहे थे। कल मैं सैकटरी मार्केट कमेटी जी ने गल की, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान के सर ने यह कहा कि सानू एक दिन के 2500 पास रोज़ के मिलने शुरू हो जाएंगे। उधर हर आढ़ती जिनी वो पिछले साल की खरीद है उन्हें प्रपोर्शनेट वैसे डेली पास मिलेंगे।